हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज हम जानेंगे क्लास थर्ड क्लास के कंप्यूटर सब्जेक्ट के चैप्टर 4 मोर ऑन एमएस पेंट। इसके आज हम प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे एमएस पेंट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर जाएंगे एमएस पेंट। एमएस पेंट अगर आपको नहीं यहाँ दिख रहा है तो ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं एमएस पेंट प्रोग्राम। पेंट खोलने के बाद अब हम इसके टूल्स की जानकारी लेंगे। कुछ टूल्स की जानकारी अपने प्रीवियस चैप्टर्स में जान चुके थे। आज हम देखते हैं, सबसे पहले ये सेलेक्ट करते हैं, किसी भी एरिया को हम सेलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और देखिए इस प्रकार हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन हम देखते हैं ब्रशेस। 9 प्रकार के यहाँ पर ब्रश दिए गए हैं। जिस भी ब्रश पर आप क्लिक करोगे वहाँ पे लिखा हुआ नाम आ जाता है। ये ब्रश में देखिए हम लिखते हैं सबसे पहले ए, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड नंबर ब्रश जो हमारा हो जाता है वो है कैलियोग्राफी ब्रश 1। इसमें हम लिखते हैं कैलियोग्राफी ब्रश 1 से ए इस प्रकार का लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कैलियोग्राफी 2 ब्रशेस। इसमें दूसरे स्टाइल में लाइन की थोड़ी सी पोजीशन चेंज रहती है, इसमें हम कैलियोग्राफी लिखेंगे इस प्रकार का आएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा हो चुका है। चौथा ब्रश हमारा एयर ब्रश रहता है। किसी भी पेंटिंग पर हम ब्रश को स्प्रे करने के लिए ये हम ब्रश यूज़ करते हैं, जिस प्रकार फिल कलर हम लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से एयर ब्रश लेंगे। प्रकार का ये एयर ब्रश स्प्रे होगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है बच्चों ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश से अगर हम कोई भी चीज पेंटिंग करते हैं या लिखते हैं तो इस प्रकार हमारा ऑयल ब्रश रहेगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्रेयॉन। जो क्रेयॉन से आप लिखते हो तो उस तरह इसमें लिखा हुआ किस प्रकार का आएगा, देखिए इस प्रकार का क्रेयॉन से लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्कर। मार्कर जो बोर्ड पे लिखा जाता है उसको मार्कर कहते हैं। मार्कर में हमारा इस प्रकार का डार्क लिखा हुआ आता है। एंड नेक्स्ट ब्रश हमारा हो जाता है नेचुरल पेंसिल। नेचुरल पेंसिल से हम सिंपल पेंसिल से जो लिखते हैं इस प्रकार का हमारा पेंसिल से लिखाएगा। एंड लास्ट हमारा हो जाता है वाटर कलर ब्रश, यानी वाटर कलर लेकर आप कोई चीज़ लिखते हो तो उससे लिखा हुआ हमारा जो है इस प्रकार का आएगा। तो ये हो गए ब्रश, कितने प्रकार के हो गए बच्चों, 9 प्रकार के हमारे ब्रश हो गए। अब हम जानेंगे टूल्स के बारे में। तो इसको हम सबसे पहले स्क्रीन को साफ कर देते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स। एक्स से क्या हो गया, स्क्रीन पूरी साफ हो गई। अब हम जानेंगे टूल्स के बारे में, लाइन टूल्स। लाइन टूल्स में एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन टूल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम माउस को होल्ड करते हुए लाइन को ड्रैग करेंगे। ये देखिए सीधी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे नेक्स्ट टूल्स कौन से हैं शेप में। ये हमारे शेप ग्रुप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कर्व टूल्स। कर्व टूल्स में भी माउस को हम होल्ड करते हुए लाइन सीधी पहले ड्रॉ करेंगे और फिर बीच पॉइंटर से उठाते हुए उसको इस प्रकार हम कर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ओवल शेप। ओवल शेप से हम ओवल शेप भी बना सकते हैं और सर्कल भी बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हो जाता है आपका रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगुलर इस प्रकार का हो जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा हो जाता है राउंडेड रेक्टेंगुलर, यानी कॉर्नर से थोड़ा सा राउंडेड रहता है। उसके बाद ये हो जाता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, फिर
फिर जहाँ पे आपको लाइन चाहिए वहाँ पे हम माउस से क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर माउस से क्लिक करेंगे, ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। जो भी शेप आपको बनाना है तो उस प्रकार स्टेप पर क्लिक करके हम उसको बना सकते हैं। अब हम देखेंगे अंडू एंड रीडू, ठीक है। सपोज मान लीजिए आपने एक सर्कल लिए, सर्कल से हमको क्या बनाना है, सन बनाना है। तो यहाँ पर हम सन कलर लिए और फिल बॉक्स में जाकर हम येलो कलर कर दिए, लेकिन हमें क्या लगा बच्चों, ये गलती से हो गया। हमें क्या करना था, सर्कल में रेड कलर करना था। तो इसके लिए हम अंडू ऑप्शन यूज करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है कंट्रोल प्लस जेड। अब यहाँ पे हम रेड कलर फिलअप करेंगे, ये हमारा अंडू हो गया, कंट्रोल प्लस जेड। एंड अगर आपको इसी प्रकार करना है तो फिर कंट्रोल प्लस वाई भी अगर हम करते हैं तो एज इट इज स्थिति हो जाती है, पहले की एक स्थिति। अब हमें सारे टूल्स की जानकारी हो चुकी है, यहाँ से हम एरो ले सकते हैं, ये सारे शेप जो हैं डायरेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करते हुए किसी भी शेप को हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर फिल करने के लिए फिल के ऑप्शंस होते हैं, सॉलिड कलर, क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, नेचुरल एंड वाटर मार्क। जिस प्रकार हमने ब्रश में कलर्स देखे थे उसी प्रकार हमारा फिल कलर्स में भी, ये सारे सॉलिड कलर में हम पूरा सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं, यानी पूरा फिल हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर आपको, पहले इस पर क्लिक करेंगे एंड देन फिर हमारा इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, आउटलाइन डालना है तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करने के बाद ही आउटलाइन डाल सकते हैं। इसको फिल कलर से लेके तो क्रेयॉन का कलर इस प्रकार का चेंज हो जाता है। इसी प्रकार हमें शेप में जाके क्लिक करना है, फिर हमको कलर लेना है, मार्कर कलर लेना है तो हमारा फिल कलर्स में जाएंगे। और मार्कर कलर आपको लेना है तो इस प्रकार हम फिलअप करेंगे, मार्कर कलर डार्क टाइप का इस प्रकार का हो जाता है। एंड आउटलाइन अगर हमको करना है तो फिर हम नो आउटलाइन, सॉलिड कलर, क्रेयॉन जो उसमें था वही सारी चीज़ इसमें भी बच्चों रिपीट हो रहा है। आउटलाइन के लिए हमें पहले लाइनिंग मोटी करनी होगी और लाइन हम इसको ब्लैक से आउटलाइन कर देते हैं। अब हम इसमें देखेंगे आउटलाइन कौन से कलर से करना है। मान लो क्रेयॉन से करना है तो ये क्रेयॉन से आपको दिख रही है, लाइट कलर एकदम दिख रही है। सॉलिड करना है तो सॉलिड कर लेंगे, ये डब्बा लेके आउटलाइन नहीं हो पाएगा, इसको हम फिल कर सकते हैं। और आउटलाइन के लिए हमें क्या है, पहले शेप को सेलेक्ट करना है, फिर आउटलाइन हाईलाइट होता है तो नो आउटलाइन देना है तो कोई आउटलाइन नहीं हो जाएगी, क्रेयॉन या मार्कर का देना है तो हमारा मार्कर का हो जाएगा आउटलाइन, हमारा ये नेक्स्ट कलर क्रेयॉन्स का हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों कि हाउस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल प्लस ए एंड कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे। अब यहाँ पे पेज जो है हमारा रेड आ गया है, इसको पेज हम वाइट ले लेंगे और यहाँ से कलर लेकर इसको हम वाइट कलर कर लेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हाउस बनाने के लिए हम रेक्टेंगल शेप लेंगे और फिर यहाँ से लाइन टूल्स लेंगे बच्चों, रूप बनाएंगे एंड नेक्स्ट डबल बार हम क्लिक करके ये रूफ के लिए लाइन लेंगे, ठीक है। फिर हम रेक्टेंगल शेप लेके इसके डोर बनाएंगे एंड यहाँ से हम विंडो बनाएंगे। ठीक है,
है, अब इसको हम लिखना है यहाँ पे, कलर करना है, तो हम फिल बॉक्स लेंगे और यहाँ से जो भी अपने मन पसंदीदा कलर है उसको हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर हमको दूसरा कलर लेना है तो दूसरे कलर पर क्लिक करके डोर और विंडो को हम दूसरे कलर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको माई होम लिखना है तो ए पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे माई होम और इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हुए इस बॉक्स को हम अंदर कर देंगे और बाहर माउस को ले जाकर क्लिक कर देंगे। तो ये बच्चों हमारा हो गया माई होम। और इसी में अगर आपको ब्रश स्प्रे करना है तो कलर ब्रश लेके हम एयर ब्रश से स्प्रे कर सकते हैं, जिस भी कलर से आपको स्प्रे करना है तो यहाँ पे आप स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे एयर ब्रश पे क्लिक करेंगे, एयर ब्रश लेंगे और ये देखिए इस प्रकार स्प्रे हो रहा है। जैसे आपको रूफ पर स्प्रे करना है, हमारा ये छत है इस पर हम इस प्रकार स्प्रे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।